सबसे पहले तो आपको हैंडसेट से प्ले स्टोर में जाके भीम बड़ौदा पे जो यहाँ पे लिखा है ये आपको टाइप करना है। जैसे ही टाइप करोगे इस टाइप का एप्लीकेशन आ जाएगा, वो आपको इंस्टॉल कर देना है। मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है, अभी मैं ओपन कर रहा हूँ। ओपन कर दीजिए। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होता है आपके पास कुछ परमिशन मांगेगा, वो परमिशन सब आप अलाउ कर दीजिए। अलाउ जितने भी परमिशन डिमांड करता है वो सब आप अलाउ कर दीजिए। जैसे आप परमिशन अलाउ करोगे उसके बाद कुछ इस टाइप का प्रोसेस होगा। यहाँ पे देख सकते हो ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाला जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट और गॉट इट। यहाँ पे आपके मोबाइल में जितने सिम है वो जो बैंक में रजिस्टर है वो सिम आपको सिलेक्ट करना है। मेरा वोडाफोन रजिस्टर है, मैं वोडाफोन सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। मैं यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे प्रेस करोगे एक मैसेज जाएगा और आपके ऊपर एक OTP आएगा ऑटोमेटिक और आपका नंबर वेरीफाई होगा। आपका नंबर वेरीफाई हो गया है। अभी आपको यहाँ पे आपका नाम लिखना है। नाम लिख के फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करके उसके बाद आपको अपना बैंक सिलेक्ट करना है, बैंक ऑफ बड़ौदा फर्स्ट। ये आपका योर रजिस्ट्रेशन UPI एप्लीकेशन बैंक ऑफ बड़ौदा ये सिलेक्ट कर लिया है मैंने। आपका अकाउंट जितने भी आपके अकाउंट है, जितने भी मोबाइल नंबर है वो सब यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। मेरे मोबाइल नंबर 2 अकाउंट में, ये मेरा अकाउंट है, मैं इसके ऊपर लिंक क्लिक कर देता हूँ। फिर UPI ID यहाँ पे 3 UPI ID सजेस्ट कर रहा है। आप अपने खुद से मन से भी बना सकते हो और ये सजेस्ट UPI ID से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे दूसरा वाला जो है sanjaymulya@bardaMPay वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर इसके ऊपर हमें नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो आपको पूछ रहा है क्रिएट 4-डिजिट लॉगिन पिन, मतलब आपको 4 डिजिट का एक पिन बनाना है, वो आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे पिन बना लेता हूँ। फिर से आपको वही सेम पिन एंटर करना है। आपका ईमेल ID आपको एंटर करना है। यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन आप सिलेक्ट कीजिए या फ्यूचर में आपको अगर कोई पासवर्ड भूल जाते हो तो रीसेट करने के टाइम पे आपको याद हो। यहाँ पे मैं मेरा सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये एग्री पे क्लिक करके सबमिट बटन पे क्लिक करना है। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर UPI रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली। हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप पढ़ सकते हो और आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपने जो 4 डिजिट का जो पासवर्ड बनाया था उसको आपको एंटर करना है। यहाँ मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद कुछ आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे मैंडेट का ऑप्शन है। मैंडेट के ऑप्शन से आप क्रिएट न्यू मैंडेट कर सकते हो, रिक्वेस्ट रिसीव कर सकते हो। फिर इसमें आप यहाँ पे कर सकते हो पैसे। इसमें 2 UPI की, अगर किसी का UPI ID है तो उससे आप पे कर सकते हो। अगर आप IFSC कोड से पे करना चाहते हो तो अकाउंट नंबर डाल के अमाउंट डाल के रिमार्क्स लिख के IFSC कोड थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। काफ़ी इजी प्रोसेस है। आप कोई अगर स्कैन करके पे करना चाहते हो तो स्कैन QR कोड से भी कर सकते हो। या आप अगर डेबिट लिमिट है वो जो ब्लॉक करना चाहते हो, मतलब फिर डेबिट नहीं होगा अगर आप ब्लॉक करते हो, कुछ ऐसा आपके साथ होता है प्रॉब्लम, तो यहाँ से आप ब्लॉक भी कर सकते हो। अगर आपको कोई छोटी मोटी शॉप है और QR कोड जनरेट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। आपका अकाउंट जितने भी है यहाँ पे शो हो जाएगी। मेरे 2 अकाउंट है, देखो यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे आप मोबाइल प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, DTH रिचार्ज कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का भी रिचार्ज कर सकते हो, मोबाइल पोस्टपेड, गैस, वाटर बिल, इंश्योरेंस, लैंडलाइन वगैरह बहुत सारा ऑप्शन है। अगर आप गूगल पे यूज़ करते हो, फोन पे यूज़ करते हो, अच्छा ही एप्लीकेशन है वो। लेकिन एक बड़ौदा जो भीम पे है काफ़ी सिक्योर अच्छा एक एप्लीकेशन है, बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल एप्लीकेशन है। ये आप यूज़ कीजिए, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स है इसके अंदर।
आशा करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में आपको काफी यूजफुल होगा। आप बड़ौदा पिम पे एप्लीकेशन आज ही यूज कीजिए, आज ही इंस्टॉल कर दीजिए। काफी इजी प्रोसेस है। आपने देखा यहाँ पे स्कैन करके पे कर सकते हो और बहुत सारे ऑप्शन है, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। चलो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।